उत्तर भारत के कई इलाकों में कुछ दिनों से लगातार ठंड का दौर जारी है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के बारा, लाचा, कुंजुम और रोहतांग दर्रे सहित धुंधी जोत, शिंकुला, छोटा और बड़ा शिगरी ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलंग और नीलकंठ की पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। वहीं इस बढ़ती ठंड और बर्फबारी की वजह से मनाली केलंग मार्ग पर कुछ जगह पानी जम गया। और आपको जम्मू कश्मीर की बात बताएं तो वहां पर जम्मू कश्मीर में भी यही हाल देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर यदि जम्मू को छोड़ दें तो काफी जिलों में अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। जम्मू में शनिवार और रविवार की रात को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जबकि कश्मीर में न्यूनतम तापमान पहले से ही 0 से नीचे है। ऐसे में बर्फबारी का असर उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। बढ़ती सर्दी और बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में लगातार पर्यटकों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो यहां के अधिकतम तापमान में भी करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि आज यानी कि सोमवार को कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, जबकि दूसरे मैदानी इलाकों में आज मौसम के साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ रही। शनिवार और रविवार को वहां पर पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी देखी गई। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सुबह 6 बजे दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह में दिल्ली और इससे सटे इलाकों में धुंध छा सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि सुबह 6 बजे मौसम साफ रहने की वजह से दृश्यता करीब 6 किलोमीटर रही। बढ़ती ठंड के चलते उत्तर भारत के राज्यों में बेघरों के लिए अब जरूरी इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं।